हेलो जी, गुड मॉर्निंग, जय बाबा की। आज हमें पांचवां दिन स्टार्ट हो रहा है। कल का जो ब्लॉग था, कल का जो सफर था, वो हमारा इतना एंटरटेनिंग था कि उसके दो भाग बन गए, मतलब 25-30 मिनट से ज्यादा बड़ा वीडियो बन गया। हमारा एडिटर भी थोड़ा थका हुआ था, नेटवर्क भी बहुत कम था। बोलो सियापति रामचंद्र की। चलिए जी, सारण और क्या जी खेजी जी ये को ठीक है सर, एकदम हेलो, शांति बनी रहे। जय बाबा की, जय बाबा, ले चलो इन्हें। ओए होए 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 होए, ये आज का घर, ये पुराने समय का घर। जय साईं बाबा। पैदल रास्ता यही है भैया, रतनगढ़ का घंटाघर। राम भक्तों, हम रतनगढ़ पार कर रहे हैं। ये देखिए रतनगढ़ शहर की हवेलियां, बहुत ही अच्छा सुंदर नजारा है ये, बहुत ही सुंदर। और ये बंद करके छोड़ के चले गए, शायद आज की अगर कीमत आंकें तो उस टाइम ये करोड़ों की हवेलियां होगी। ये देखिए, वाह, यहाँ अकाल बहुत पड़ते थे, पीने को पानी नहीं होता था, खाने को अन्न नहीं होता था, तो भूख की वजह से जो लोग यहाँ से छोड़ छोड़ के गए, कोई आसाम में बस गया, कोई कलकत्ता में बस गया, कोई कहीं का, आज वो वहाँ के नगर सेट है। और हिंदुस्तान के जो 100 सबसे धनाढ़ लोग हैं, उनमें से 80 आपको राजस्थान के मिलेंगे। इसी यहाँ से लेके बाड़मेर, जोधपुर, जैसलमेर तक कई लोग मिलेंगे आपको। बहुत ही अच्छा सफर चल रहा है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय बालाजी की। कहाँ से हो महाराज? मैं रायशनगर किक्कर वाले गांव से। अच्छा, रायशनगर किक्कर वाले, कब चले? छठा दिन है। चलो ठीक है भाई। हम तो माता जी पीलीबंगा तहसील में, हमारा 18 एसपीडी, तो वहाँ घर है, वहीं से रवाना हुए थे। 5 दिन हो गया। थकिया तो कोनी? अब हम रतनगढ़ शहर पार कर रहे हैं। जैसा कि आपने देखा, रतनगढ़ की हवेलियां, बहुत ही अच्छा सुंदर शहर है, बहुत पुराना शहर है। अभी हम लगभग 50 किलोमीटर हैं थालासर बालाजी से दूर, और हम पहुंच सकते हैं रात तक, लेकिन नहीं, हम लगभग 10-15 किलोमीटर पहले ही रेस्ट करेंगे, ताकि कल सुबह आराम से उठ के नहा धो के और बाबा के दर्शन करें और वहाँ मत्था टेकें। को भी बहुत अच्छा लग रहा होगा, आप मुझे कमेंट करके बताते रहें, ताकि हमारा हौसला बना रहे और हमारा सफर यहीं चलता रहे। जय श्री बालाजी। आण दे, पीछे कर ले, आण दे। जय बाबा की। बहुत गाड़ियां देखी होगी, पर ऐसी दूध वाली गाड़ी नहीं देखी होगी। तो जैसा कि आप देख सकते हो, यहाँ पे रेल की पटरी है। तो राजेश भाई, आपका मन है तो आप नीचे आ सकते हो। सारे शटर बंद है, क्यों भाई साहब? खाली सरकार का हुक्म है, सारे शटर बंद। ध्यान चाल के रूपना थाना ला रहे, सारा शटर बंद कर दिया। बजरंग तेरी धाक से तो गूंजे लंका कोट, पायक है श्री राम के तो थारे पेरन लाल लंगो। लो जी, अभी इस विशाल लंगर में आए हैं, पोहे पे पूरा जोर दे रखा है, बाकी सब लोग चाय पी रहे हैं, मैं चाय पीता नहीं, और क्योंकि मुझे मम्मी ने कहा है चाय पीने से बंदा काला हो जाता है। कलयुग में सिद्ध हो देव तुम्ही, हनुमान तुम्हारा क्या कहना। कलयुग में सिद्ध हो देव। लो जी, खीर आ गई, खीर। मोटा सर खुन्नी का ये लंगर है श्री गंगानगर जिले में, और खीर का प्रसाद। 12 किलोमीटर लगातार नॉन स्टॉप चल के यहाँ बैठे हैं, विश्राम किया, सेवादार बहुत अच्छे हैं यहाँ। साथी हमारे थोड़े से पीछे रह गए थे, लगभग 1-1.5 किलोमीटर, वो साथी आ चुके हैं हमारे। ओ कलयुग में सिद्ध हो देव तुम्ही, हनुमान तुम्हारा क्या कहना। हो तेरी भक्ति का क्या कहना, तेरी जयकार बजरंगी। जितने भी 300, 400, 200, 100 किलोमीटर चल के कोई भगत आया, उसका हौसला बढ़ा देते हो आप। और मैं भी 2005 में पैदल गया, 2006 में गया, काफी लंबे अरसे बाद अब मैं अपने परिवार के साथ, बेटे के साथ, और पैदल जा रहा हूँ बालाजी के। साला सर रावत सर से यात्रा शुरू की थी, 209 किलोमीटर की लगभग यात्रा है। सरदार शहर निकले बाद अकलाकार रोड है साला सर ताई।
वो काम लूच। और भाई सुनील अभी केसीएल में भी मार सके, बहुत सारा राजस्थानी भाषा की सेवा कर रहे हैं, राजस्थानी भाषा का वीडियो थे देखे ही। और अपनी दुकान है भाई की दुकान है, कब जो कर रखे आया अच्छा बनाई फटाफट आप, और मान लिया चलाई से मैं नहीं सको क्योंकि भाई की आपकी दुकान है पर अब ठा लगे अभी कब्जो कर रखे है भाई ने अपने हाथों से चाय बना के और हमें ला के और दी बहुत बढ़िया। और के नाम भाजी भगत आशाराम शर्मा गोगे जी को को रूपनाथ को एक डायलॉग सुना दियो फेमस जो को थारी याद है रूपनाथ को डायलॉग है। अरे चौधरी केक रे भैया अरे मैं बाहर गयो बढ़ांगे माइन जड़ी बूटी ले और भी की दवाई बनाई है यार आंखें मगाल दी फिल्टर फाड़ दी आंख महावीर तू 18 बैठ गयो थर्ड ऑफिसर बन गयो बावड़ा मन तो भूल ही गयो तू उत्तराखंड की भाड़ी ले आवे गोरखनाथ जी आके ते पैगरता गजली बन के माइन ए उरन ले आवे मेले को मतलब बूढ़िया बांधता मेलो इकट्ठा होना मेल होना एक दूसरे का वो तो मेलो लोग दूर दूर अलग अलग गाँव में आगे पुराने टाइम में रिश्तेदारियां निकाल लेता रिश्तेदारी कर रिश्ता कर लेता आपस में। ये है भाई राम स्वरूप गोदारा बुडोपड़ और मैं 1990 में मैं सग पढ़ता 34 साल पहले 90 में तो नवी में आ गया अभी पहले मैं 86 में छठी में लग गया पढ़ने 90 92 में 93 में बिछड़ गया मैं यहाँ कन्ने बैठ के तो आज ही मिला 34 साल बाद चौधरी मेल मिला अब तकड़ो है राम राम उनके छोटे भाई का नाम जगदीश है और टोटल एन तो वो मारे खातर होकर तिले ही दोस्त अपना जी थे आज कटे गया हो तो जय बाबा की सिगला ने आज खेली भाई जी हमारे गांव आए डाई और वीडियो के द्वारा मांगा फैन है सूचना मिली कि भाई खेली भाई जी आ रहे हैं को मिलनो है अभी आ रहे हैं जितना मिला देंगे तो आप मुझे लगा साला सर मिलेंगे लेकिन पहली मिले मजो आ गया पहले मिले ना ना कि मर गांव में कि जोर सीधा उठ जाओ तो आप की बात बिल्कुल बिल्कुल। और कैसे हो आप? बस एकदम राजीव खुशी बढ़िया। तू बता तेरा लगी कैसी हेल्प? हां मेरे तो चार्ज को नहीं हो भाई से मिलके हम चल पड़े मंजिल की ओर। भाई साहब ने चाय बहुत अच्छी पिलाई। जय बाबा की। भक्तों साला सर 30 किलोमीटर रे बजरंग बली की जय हो। इक्की दुक्की पान की जय बोलो हनुमान बजरंग बली की जय हो। इक्की दुक्की पान की जय बोलो हनुमान की। सेवादार सेवा करने लाग रही है। हाँ भी भक्तो प्रिपरेशन चलन लाग रही है, तैयारी खींचन लाग रही है। बस कोई 2-4-5 मिनट अंग है, मैं पहला चलूंगा 5-7 मिनट अब ब्लॉगिंग तेरे आपकी जगह भाई पग को ध्यान रख यार। आज के थोड़ा चौधरी रूपनाथ ढीलो है तो माड़ा मोटा ट्रीटमेंट कर दिया तो बाबू कर नहीं रहे है। ये महाराज जी है, इन्होंने हमारी सेवा बहुत की थी। जय बाबे की। हो तेरी भक्ति का क्या कहना, तेरी शक्ति का क्या कहना, तेरी भक्ति का क्या कहना, तेरी शक्ति का क्या कहना, कलयुग में। लो जी अब हमसे साला सर बहुत ही कम किलोमीटर दूर है, लेकिन हम थोड़ा सा पहले रुक गए क्योंकि बारिश का मौसम हो गया और अभी मेणियों बांधन लाग रहे हैं। थाने दिखावा किया। लो भाई गद्दा रखो, ऊपर गद्दा रखो। मैं आ गया। क्या आ गयो? बरसात। हाँ जी बारिश का मौसम हो गया और साला सर से हम लगभग कितने किलोमीटर दूर है भाई? 24 किलोमीटर दूर है। इस गाँव का नाम है बाणासर कनवारी। और अभी हमारे कुछ साथी पीछे रह गए, उनका वेट कर रहे हैं अभी थोड़ा। यहाँ पे ये कागज वगैरह लगा के गाड़ी के ऊपर उसे कॉफी पी के फिर रवाना होंगे। जय बजरंग बली। काम कराने वाले टाइम लुक रहे हैं बेटा। एक लड़ू लगा दियो। आजी 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 इन्हें इन्हें आने दियो। अरे काम कर लियो यार। कैसे भैया? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत मजा आ रहा है आज यार। कूल सब कूल, आज बहुत मजा आ रहा है यार। बरसात तो ऐसी है। हाँ जी सर। हाँ
क्या हुआ? 12 किलोमीटर चले हैं नॉन स्टॉप। थोड़ा मौसम ठंडा था तो मतलब हालात ठीक है, नींबू पानी भी मिल गया था रास्ते में तो थोड़ा सा ठीक हो गया। नहीं पहले दिन चले थे तब आपकी आवाज और आँख सब खुली थी, सब आवाज तेज थी, आज क्या हुआ? आज तो अब लगभग 200 किलोमीटर चल गए तो लगातार ट्रेवल कर रहे हैं लगातार, तो थोड़ा मशीनरी है ये भी तो गड़मा आगे पिंडो जिया की थे देखने लग रही है। वो अब सारा थोड़ा ठीक ठीक हुए है, रेस्ट ले लियो, पीछे भी जोरा शोरों काम चलने लग रही है। अभी हम पहुंचे हैं कनवारी, काफी सारे भगत भी आ गए पापा से मिलने। जय बाबा की। साथियों हम पहुंच गए जी खुड़ी। अब यहाँ से बाबा का दरबार है वो 12 किलोमीटर है। शाम हो गई है, शाम के लगभग 7:30 हो गए हैं। सारे साथी आ गए जी। रास्ते में बहुत बारिश हुई थी हाँ, इसलिए हम ब्लॉग नहीं कर पाए। बारिश आई, तूफान आया, अगर मान लो अगर हमारी भाषा में बोले तो जांखड़ा आया था। अब यहाँ खाना तैयार हो रहा है, नहाएंगे, खाना खाएंगे, सुबह जल्दी पैदल मार्च करेंगे और कल बाबा के धोक लगा के गांव के लिए रवाना हो जाएंगे। मेला देखेंगे, घूमेंगे, आपको भी मेला दिखाएंगे। और आज का सफर यहीं समाप्त करते हैं क्योंकि बारिश की वजह से थोड़ा रास्ता भी बहुत उबड़ खबड़ मतलब लगा, ऐसे कीचड़ सा हो गया था, लेकिन फिर भी भगत जयकारा बोलते आए, पार करते आए और आगे 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 नए नए दिन की जानकारी आती रहेगी। आप हमें कमेंट करके बताएं आपको ब्लॉग कैसे लगा। बोलिए वीर बजरंग बली की जय हो।